हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीपी रेटिंग हेल्पलाइन। सो आज का वीडियो बेसिकली होने वाला है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो कि ट्रेनिंग शिप रहमान में कंडक्ट होता है। जब आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हो जीपी का, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसका प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बताया। आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करो और फिर मेडिकल क्लियर करो। तो बाकी के जो तीन टॉपिक हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जैसे एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल और इंटरव्यू, और जो चौथा बचता है वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो गाइज ये वीडियो उसके ऊपर होने वाला है। ये वीडियो बेसिकली एक बंदे ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। आप भी मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई वीडियो चाहिए मेरे तरफ से, लेकिन गाइज जीपी के रिलेटेड होना चाहिए वो, क्योंकि गाइज मैं जीपी रेटिंग कोर्स कर रहा हूँ तो मैं आपको जीपी की नॉलेज दे सकता हूँ। जैसे मेरे दो तीन लोग हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप IMUCET के बारे में बताओ, GME कोर्स के बारे में बताओ, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ वो वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मैं जीपी कोर्स कर रहा हूँ तो मैं आपको जीपी की नॉलेज दे सकता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे वक्त क्या हुआ था वो आपको एक्सपीरियंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं थोड़ा बेसिकली लेट हो गया था, मेरा जो टेस्ट था एंड्योरेंस टेस्ट उसके लिए लेट हुआ था 10 मिनट्स, लेकिन उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किया और मेरे को कोई दूसरे बैच में उन्होंने एडजस्ट कर दिया। तो गाइज़ आप लेट मत होना, आप टाइम से जाना जब भी आपका एंड्योरेंस टेस्ट होगा। तो अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मेरा एंड्योरेंस टेस्ट हुआ तो बेसिकली जो 5 अभी होने वाले, मतलब जो 5 टेस्ट है जो मैं आने वाले मतलब वीडियो में बताऊँगा, वो जो 5 टेस्ट मुझे करने थे, मुझे लगा थोड़ा ब्रेक मिलेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो बेसिकली उन्होंने एकदम थोड़ा भी गैप नहीं दिया मुझे वो 5 टेस्ट में, मतलब मुझे अकेले को नहीं, सबको, कोई गैप नहीं था। जैसे ही आपका रनिंग होता है वैसे आपके पुशअप्स, सिटअप्स, आपको 25 kg आपको उठा के 10 मीटर तक चलना होता है, ये सब एक साथ होता है। तो गाइज इसके लिए आप प्रिपेयर रहना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ देखा है कि वो लोग वॉमिटिंग करते हैं लिटरली, या फिर उनको चक्कर आती है तो उनको एम्बुलेंस लेके चली जाती है। तो आपके साथ ये ना हो, इससे अच्छा आप थोड़ा जो आपको 10 डेज मिलेगा, जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हो आपको एक मेल आता है कि आप सिलेक्टेड हो, तो आपको 20 डेज का गैप मिलता है एंड्योरेंस टेस्ट देने के लिए। तो उसके बीच में जो 20 डेज का गैप होता है उसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो गाइज तो अभी वन बाय वन करके मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट जो आपको होता है जो टेस्ट होता है वो रनिंग होता है, बेसिकली 400 मीटर रनिंग 4 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। बहुत इजी है गाइज, आप चल के भी 4 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। मैं बता दूँ बाय द वे कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपको बाहर नहीं निकाला जाता, डिस्क्वालीफाई आपको नहीं किया जाता, उसमें बस आपको चेक करते हैं कि आप चलते फिरते इंसान हो कि नहीं, आप फिट हो कि नहीं, बस बाकी कुछ नहीं ज़्यादा। अगर आप थोड़ा मतलब एक दो कुछ नहीं भी कर पाते तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे वो, बस आपको चेक किया जाता है कि आप हो कि नहीं चलते फिरते इंसान। तो गाइज रनिंग हो गया, तो सेकंड है उठक बैठक। 20 उठक बैठक आपको करने पड़ते हैं 1 मिनट में। ये गाइज जो अभी टेस्ट हैं वो रिपीटेडली होते हैं, आपको थोड़ा भी गैप नहीं मिलता, एक वन बाय वन करके आपको फटाफट किए जाते हैं। रनिंग के बाद आपको उठक बैठक हो गए, 20 उठक बैठक कराते हैं आपको 1 मिनट में। वो होने के बाद थर्ड है पुशअप्स, आपको पुशअप्स कराने पड़ते हैं 10। तो गाइज मैंने बाकी सब अच्छे से किया था, लेकिन मेरा जो पुशअप्स में थोड़ा मेरा फॉल्ट निकला, क्योंकि मुझे लगा था पुशअप्स फटाफट 10 करने होंगे वन बाय वन करके, लेकिन ऐसा नहीं था। वो ऐसा था कि आप ऊपर हो 1 सेकंड, अगर आप ऊपर गए तो 1 सेकंड का होल्ड, फिर नीचे, फिर वापस 1 सेकंड का होल्ड, ऐसा था। तो मैंने 6 पुशअप्स किए जैसे तैसे, लेकिन 8 आने तक मेरा हाथ नीचे गिर गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसमें आपको इतना कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता एंड्योरेंस टेस्ट में। तो पुशअप्स बेसिकली आपको 10 करने पड़ते हैं 1 मिनट में। और दूसरा है 25 kg, आपको 25 kg का वेट 10 मीटर तक लेके जाना होगा। डंबल्स रहेंगे 12.5 के 2 डंबल्स रहते हैं, वो आपको उठा के लेके जाना पड़ता है 10 मीटर तक। वो होने के बाद आपको एक पास अंडर टेबल, मतलब आपको 5th जो और लास्ट है वो होता है पास्ट अंडर टेबल अबाउट 0.75 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.75 मीटर। एक टेबल होता है 4-5 लाइन से लगा देते हैं, उसके अंदर से आपको क्रॉल करके उसके अंदर से निकलना होता है। तो बेसिकली यही थे 5 टेस्ट जो कि एंड्योरेंस टेस्ट में कंडक्ट किए जाते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं होता, आपका एंड्योरेंस टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल एक ही दिन होता है। जैसे ही आपका एंड्योरेंस टेस्ट होता है आपका चेंज करके इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। तो ये है प्रोसीजर जो जो एंड्योरेंस टेस्ट का मैंने बता दिया ऑलरेडी।
और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए मेरे तरफ से तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेरा नंबर दे दिया है। आप जीपी के रिलेटेड मुझे वीडियोस चाहिए तो बोलना, क्योंकि और कोई मैं वीडियोस नहीं बना पाऊँगा। वैसे बेसिक नॉलेज है मुझे वो कोर्सेज की, लेकिन मैं समझता हूँ मुझे वो उसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैं जीपी कोर्स कर रहा हूँ तो मैं आपको जीपी की अच्छे से डिटेल में नॉलेज दे सकता हूँ। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे मैसेज करो, ऑलरेडी नंबर दिया है मैंने सबके लिए। आप जीपी के कॉलेजेस के बारे में अगर आपको जानना है मुझे मैसेज करो, ट्रेनिंगशिप रहमान के बारे में कुछ जानना है, प्लेसमेंट के बारे में या फिर नूसी के कॉलेज के बारे में, कुछ भी जीपी रिलेटेड कोई भी नॉलेज हो आप मुझे मैसेज करना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो की वेट करना। अगर थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि अभी विलेज आया हूँ तो थोड़ा नेट इशू चल रहा है, लेकिन जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा।